मॉर्निंग एवरीवन, हमें थर्ड पढ़ना था एलॉयिंग। अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। क्या है सॉलिड सॉल्यूशन? किसका? मेटल का किसी अनदर मेटल या नॉन मेटल के साथ, उसे बोला जाता है एलॉय। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। स्टील क्या है? स्टील किसका एलॉय है? कार्बन और आयरन का। वेन स्टील इज मिक्सड विथ क्रोमियम, निकिल, मॉलिवेडियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा। ठीक है, जब स्टील को किसके साथ मिक्स किया जाता है? क्रोमियम, निकेल, मॉलिवेडियम, टाइटेनियम, इन सभी के साथ मिक्स किया जाता है, तो इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील विच इज फ्री फ्रॉम रस्टिंग। तो जो क्या है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है जो किससे? रस्टिंग से फ्री होता है ना, जंग लगने से फ्री रहता है। फोर्थ है गैल्विनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्विनाइजेशन। ठीक है, यह डिपोजिंग डिपोजिंग की प्रक्रिया, लेयर डिपोजिंग की प्रक्रिया, जिंक ऑन जिंक के लेयर की डिपोजिंग की प्रक्रिया किस पर? आयरन पर। यह कहलाती है गैल्विनाइजेशन। ठीक है, जिंक डिपोजिंग ऑन आयरन आर्टिकल आफ्टर ग्लाइविनेशन फॉर्म अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो वो क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड में बन जाता है। दिस लेयर एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन आयरन एंड द एटमोस्फेयर। और जो लेयर है वो किसका एक्ट करती है, किसका काम करती है? बैरियर का काम करती है, किनके बीच? आयरन और एटमोस्फेयर के बीच। ठीक है, द आयरन पाइप्स यूज इन होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप होते हैं होम्स में यूज किए जाते हैं घरों में, वो वाटर को कैरी करने में वो गैल्वनाइज्ड होते हैं, और जो कि क्या करते हैं? रस्टिंग से बचाते हैं। अब आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ड्यूरिंग डाइजेशन डाइजेशन के दौरान द फूड अंडरगोज मैनी केमिकल चेंज। जो फूड होता है वो कई केमिकल चेंजेस से क्या है, गुजरता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा आर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या है, जो ये सभी कंपाउंड्स रहे, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स रहते हैं, वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं इनटू सिमिलर कंपाउंड्स में बाय द प्रोसेस। ये क्या है? डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज द फाइनल कंपाउंड ऑफ डाइजेशन इज ऑक्साइडेड इनटू एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी में हो जाता है। अब आएंगे हम ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हेन एन एप्पल और विंजल इज कट एंड कट सरफेस आर एक्सपोज टू एयर फ्रॉम सम टाइम। जब हम एप्पल और या फिर क्या है विंजल को कट करके उनके जो सरफेस रहते हैं उनको खुली हवा में हम छोड़ के कुछ देर के लिए जब रखते हैं तो दे टर्न ब्राउन। तो वो किस कलर में टर्न हो जाते हैं? ब्राउन कलर में। आप लोगों ने देखा होगा ये एप्पल वगैरह आप कट करके रखते हैं तो वो कुछ देर बाद ब्राउन से कलर के हो जाते हैं। तो ब्राउनिंग ऑफ कट सरफेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज अ केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। ब्राउनिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग लेमन जूस और शुगर सीरप ऑन द कट सरफेस ऑफ फ्रूट्स आर वेजिटेबल। जो ब्राउनिंग जो हो जाते हैं, ब्राउनिंग कैन बी प्रिवेंट, जो क्या है वो प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? लेमन जूस या शुगर सिरप को अप्लाई कर देते हैं कट सरफेस पर, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो कट सरफेस रहते हैं उस पर। ठीक है, तो वो उससे क्या होते हैं? वो ब्राउन कलर के नहीं होते हैं। अब आएंगे हम स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम्स का खराब होना। कुक्ड फूड आइटम आर स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम। क्या है, जो कुक्ड फूड आइटम होते हैं वो धीरे कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्पॉइल्ड फूड आइटम बाय द फूल स्मेल। और जो हमको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो जो कि खराब हुआ है तो उसकी दुर्गंध से। दिस फूल स्मेल इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रोटिंग प्रोसेस। ये जो दुर्गंध है वो हमें क्या बताती है? यह दुर्गंध सड़ने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली केमिकल जो रिएक्शन है उसका रिजल्ट होता है। ठीक है,
अब आएंगे हम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, वॉल्यूम, टेक्सचर एक्सेट्रा आर चेंज. इसमें केवल कलर, वॉल्यूम, टेक्सचर उसका और ये सभी बस चेंज होते हैं फिजिकल चेंज में. ठीक है. इन केमिकल चेंज में इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑब्टेंड सब्सटेंसेस आर चेंज्ड. और उसमें क्या होते हैं इंटायर मतलब अंदर पूरी तरह से उसके जो चेंज हो जाए वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है वो. और जिसमें क्या है ऑब्टेंड सब्सटेंस नए सब्सटेंस हमें मिलते हैं और क्या क्या होते हैं वो और चेंज हो जाते हैं. सेकेंड है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में लेकिन इसमें बनता है वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. इसमें क्या होते हैं एक या एक से अधिक क्या है सब्सटेंसेस बनते हैं पदार्थ बनते हैं. इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ये जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकती है. दिस चेंज आर इरिवर्सिबल. जो केमिकल चेंज होते हैं आप लोगों ने पढ़े ही हैं कि ये क्या होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं परमानेंट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी. कुछ अधिकतम फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं लेकिन ऑल द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट. और ये चेंजेस होते हैं परमानेंट क्योंकि इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. क्रिस्टल जो है वो सब्सटेंस का क्या है प्योरेस्ट फॉर्म है शुद्ध पदार्थ है शुद्ध रूप है. इन क्रिस्टल क्रिस्टल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर वेल अरेंज इन अ पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल पैटर्न. जो इसमें क्रिस्टल्स में क्या होते हैं जो एटम और परमाणु और उसके जो अणु होते हैं पदार्थ के वो बहुत अच्छी तरीके से क्या रहते हैं अरेंज रहते हैं एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल पैटर्न में. क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज. जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग अलग जो क्रिस्टल के पदार्थ होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल ऑफ सुगर आर क्यूबिकल इन शेप. जो सुगर का जो क्रिस्टल्स होता है वो कैसा होता है शेप में क्यूबिकल होता है. सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेंड एज क्रिस्टल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. जो सोडियम क्लोराइड और जो या फिर उसको क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट इज ये किससे प्राप्त किया जाता है एक प्योर जो क्रिस्टल है वो एक इन इट्स एक प्योरेस्ट फॉर्म है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इससे इसके संतृप्त विलयन से शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. अब हम देखेंगे इसकी एक लैब एक्टिविटी. एम हमारा टू ऑप्टेन अ बिग क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या है और एक बिग क्रिस्टल ऑफ एलम का एक क्रिस्टल प्राप्त करना. मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे 25 ग्राम ऑफ एलम, वाटर, नायलॉन थ्रेड, क्लीन कप्स, बीकर्स, स्पून, स्टिक, फाइन क्लॉथ्स, वर्नन. ये सभी प्रोसीजर क्या रहेगी इसको आप ध्यान से सुनना. हीट सम वाटर इन बीकर. हम क्या करेंगे बीकर में क्या करेंगे कुछ पानी गर्म करेंगे. पोर द वाटर इन क्लीन कप एंड एड द एलम स्लोली टू दिस हॉट वाटर. क्या है एक कप में हम पानी डालेंगे और इस गर्म पानी में धीरे धीरे हम क्या करेंगे फिटकरी को मिलाएंगे. थर्ड है कीप ऑन एडिंग एलम अंटिल नो मोर एलम कैन डिजोल्व एंड सम एलम लेफ्ट अनडिजोल्व एट द बॉटम. दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एलम इन हॉट वाटर. क्या है फिटकरी को तब तक हम मिलाते रहेंगे जब तक कोई जो कोई और फिटकरी ना घुल जाए और इसमें इसके नीचे तक ना पहुंच जाए. ठीक है. और फिर जो नीचे तक पहुंच जाएगी दिस जो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने फिर क्या बन जाएगा हॉट वाटर में इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके. फिल्टर द सॉल्यूशन यूजिंग अ फाइन क्लॉथ टू रिमूव अनडिजॉल्व एलम. कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन कप. लेट द फिल्ट्रेट कूल एंड लीव अनडिस्टर्ब फॉर ओवरनाइट. क्या है जो फिल्ट्रेट जो सॉल्यूशन हमें मिला है जो पहले हम उसको फाइन क्लॉथ से रिमूव करेंगे एंड डिजोल्व एलम को. फिर क्या करेंगे कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन कप और फिल्टर्स को हम फिल्टर कप में फिल्ट्रेट करेंगे कलेक्ट करके. लेट द फिल्ट्रेट और फिर हम उसको क्या कर देंगे लीप छोड़ देंगे एक नाइट के लिए. ठीक है.
नेक्स्ट डे यू विल फाइंड दैट सम क्रिस्टल ऑफ सॉलिड एलम फ्रॉम एट द बॉटम ऑफ द कप. नेक्स्ट डे आप नोट पाएंगे कि जो क्रिस्टल के जो जो सॉलिड क्रिस्टल हैं, सॉलिड के जो क्रिस्टल्स हैं जो एलम के, वो क्या है, वो फ्रॉम एट द बॉटम द कप, वो उसके कप के नीचे बैठ जाएंगे. अगेन फिल्टर द सॉल्यूशन एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन बीकर. फिर क्या करेंगे हम, फिर से उस सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे एंड कलेक्ट फिल्ट्रेट इन बीकर में उसको फिल्ट्रेट करेंगे. द सॉलिड एलम क्रिस्टल ऑप्टेन विल बी सीड टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ एक न्यू क्रिस्टल, जो उसके बीज से क्या है, एक न्यू क्रिस्टल बनना तैयार हो जाएगा. ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएगा. टाई दिस क्रिस्टल विथ नायलॉन थ्रेड एंड सस्पेंड इनफिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक. क्या करेंगे अब हम, फिर से फिर इस क्रिस्टल को नायलॉन के धागे से बांधकर एक छड़ी की मदद से उसको क्या करेंगे, स्टिक से सस्पेंड करेंगे. एट लुक एट दिस सेटअप अ कपल ऑफ टाइम्स अ डे. इस सेटअप को क्या करेंगे हम, इस सेटअप को एक दो बार देखेंगे. इफ क्रिस्टल स्टार्ट फॉर्मिंग एट द बॉटम ऑफ बीकर देन पोर ऑफ द सॉल्यूशन इन अदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग द बॉटम. क्या है, यदि इफ यदि क्रिस्टल के बीकर के निचले जो बॉटम है ना, निचले भाग में बनने जो उस क्रिस्टल है वो निचले भाग में बनने लगते हैं, तो उनको डिस्टर्ब किए बिना वो क्या होते हैं, बीकर में हम उनको डाल देते हैं. ठीक है, बी केयरफुल दैट द बॉटम क्रिस्टल शुड नॉट एंटर इन टू द अनदर बीकर एज दीज बॉटम क्रिस्टल विल नॉट लेट द सस्पेंडेड क्रिस्टल ग्रो. और जो क्रिस्टल्स रहते हैं उनके नीचे दूसरे बीकर में जो प्रवेश ना करें, क्योंकि उनको बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको रोकेंगे, क्यों नहीं तो वो क्या नहीं करेंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे. नाइन्थ है रिप्लेस द स्टिक विद हैंगिंग क्रिस्टल टू द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन के हैंगिंग क्रिस्टल से घोल में हम उसको क्या करेंगे, बदलेंगे. लीव द एडजस्टमेंट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू डेज. क्या करेंगे अब हम, इसको हम छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए, हम बिना डिस्टर्ब किए कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे. ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद यू विल ऑब्जर्व दैट द विग क्रिस्टल हैज ग्रोन एनफ. आप देखेंगे कि जो बड़ा क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, विकसित हो गया है. ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर बेटा 6th कंप्लीट होता है. जो भी आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.